हेलो, हमारे न्यू एपिसोड में आप लोगों का वेलकम है। और आज हम उस एपिसोड में एक बेहतरीन जो सरकारी टीचर्स, उनके बारे में हम आप लोगों को बताने आए हैं। जो कि आज वैसे टीचर जगह सरकारी स्कूल में हो जाए तो गरीबों के बच्चे को बहुत राहत होगी। और वो जितने भी गरीबों के लड़के या लड़की या बड़े सपने देखते हैं, उस सपने में वो पूरा कराने की काम करते हैं। जैसे आज उनको पढ़ाने का तरीका इतना सरल है कि हर बच्चा उस बातों को समझता है और सीखता है और आगे बढ़ता है। जिस सर का नाम है वो मिस्टर रामबाबू सर हैं। उनके आगे जो है देखिए पढ़ाने का तरीका कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब है। गुना किसे कहते हैं? सदो जोड़ दो, अजोड़ दो, अजोड़ दो। इसको जोड़िए तो कितना आएगा? दो में दो को मिलाएंगे तो चार में फिर दो को मिलाएंगे और छह में दो को मिलाएंगे। तो बोलो तो यहाँ पर दो को कई बार जोड़े हो? है दो को कितने बार जोड़े हैं? तो दो में अगर हम चार से गुना करते हैं तो अभी आ जाता है हमारा कितना? आठ। तो जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुना कहा? जोड़ के संक्षिप्त रूप को क्या कहा जाता है? आपसे जोड़ का जो शॉर्टकट प्रक्रिया है उसी शॉर्टकट प्रक्रिया को गुना कहा? गुना समझ गए? गुना जो है जोड़ का संक्षिप्त रूप है। तो आपसे पूछा जाए कि गुना किसे कहते हैं, जोड़ पहले किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए। एक सजातीय राशि में दूसरे सजातीय राशि को मिला देने की प्रक्रिया जोड़ कहलाता है। एक सजातीय राशि में से दूसरे सजातीय राशि को हटा देने की प्रक्रिया घटाव कहलाता है। और जोड़ के छोटे रूप को क्या कहा जाता है? जोड़ के छोटे रूप को क्या कहते हैं? जैसे दो को कई बार जोड़े हो तो कितना आया है, और दो में कैसे गुना कर देते हैं तो भी कहा जाता है। तो गुना किसे कहते हैं? जोड़ के संक्षिप्त रूप को गुना कहा। अब समझा जाए भाग।